नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने पेट को कम रखना चाहते हैं, पेट को कम करना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी इसे कम नहीं कर पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि आपके शरीर को सेहतमंद और फिट रखने में आहार की खास भूमिका होती है। व्यस्त दिनचर्या के कारण हमारी शारीरिक गतिविधियाँ दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिनकी वजह से ली गई कैलोरी फैट में तब्दील होकर हमारे पेट के आसपास के हिस्सों में नजर आने लगती है। अक्सर लोग वजन कम करने में लगे रहते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो समस्या आती है वो पेट के आसपास की चर्बी को हटाना है। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग मोटे नहीं होते लेकिन उनके पेट के आसपास काफी चर्बी जमा हो जाती है। पेट पर जमा फैट न सिर्फ आपकी सेहत बिगाड़ता है बल्कि यह आपके लुक को भी खराब करता है। आइए जानते हैं हमारे पेट के साथ जमा चर्बी को कम करने के आसान और असरदार उपायों के बारे में। खाने के बाद कभी भी पानी न पिएं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि खाना खाने के बाद लोग ढेर सारा पानी पी जाते हैं, जो कि पेट निकलने की मुख्य वजहों में से एक है। खाने के अंत में पानी पीना उचित नहीं है, बल्कि लगभग 1-1.5 घंटा बाद ही आप पानी पिए। अगर आपको ज्यादा प्यास लगी है तो खाने के बाद 1 कप हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके खाएं। दोस्तों, 3 टाइम खाने की जगह थोड़ा थोड़ा करके कई बार खा लें। हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहें, इससे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा और साथ ही ऊर्जा का स्तर भी बना रहेगा। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, ये पचने में ज्यादा समय लेते हैं और पेट देर तक भरा रहता है। अंडे का सफेद भाग, फैट फ्री दूध, दही और सब्जियां आपको स्लिम और फिट रखेंगी। शहद आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शहद बहुत से गुणों की खान है, साथ ही साथ यह मोटापा करने में भी कारगर है। हर रोज सुबह गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पिएं। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाने से आपको जल्दी ही असर दिखाई देने लगेगा। ग्रीन टी पिएं। अगर आप हर रोज चाय पीने के बहुत शौकीन हैं, तो आप दूध की चाय पीने की बजाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी अवश्य पिए। इसमें थायनाइन नामक एमिनो एसिड होता है, जो मस्तिष्क में ऐसे केमिकल का स्त्राव करता है जो कि आपकी भूख को कंट्रोल करता है। हर रोज सुबह सैर पर जाएं और रात को खाने के बाद भी सैर करना ना भूलें। इससे पेट और कमर की अतिरिक्त कैलोरी कम होती है, क्योंकि नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक पर जाने से 25% कैलोरी बर्न हो जाती है। पेट जल्दी कम करना है तो 30 मिनट का वॉक सेशन अवश्य रखें। लगातार स्पीड से न चल सकें तो बीच बीच में इंटरवल आप ले सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ी देर तेजी से चलें, उसके बाद स्पीड को कम कर लें। जब भी आप अच्छा फील करें उसके बाद फिर स्पीड को तेज कर लें। उपवास रखें। यदि आप खाना खाने के बहुत शौकीन हैं और अपनी इस आदत से परेशान हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप हफ्ते में 1 बार उपवास जरूर रखें। उपवास यानी कि फास्ट। आप चाहें तो सप्ताह में 1 दिन लिक्विड्स पर भी रह सकते हैं, जैसे कि नींबू पानी, पानी, दूध, जूस आदि। किसी दिन सिर्फ सलाद और फलों पर भी रहें। उसके बाद देखिए आपका पेट कितना तेजी से कम होता है। अपने खान पान का ख्याल रखें। यदि आप जंक फूड खूब खाते हैं या फिर आपको तैलीय खाना बहुत पसंद है, तो इसे परहेज करना शुरू कर दें। खाने में खास तौर पर सामान्य आटे की बजाय जौ और चने का आटा मिलाकर चपाती बनाएं। इससे आप जल्दी ही स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। हर रोज कुछ ग्राम बादाम खाने से कमर का साइज 24 सप्ताह में 6.5 इंच तक कम हो सकता है। तो आज से ही तय कर लें कि रोजाना 100 ग्राम नट्स आपकी डाइट में जरूर शामिल होंगे। यह कैलोरी से भरपूर होते हैं। भोजन में संतुलित कैलोरीज लें। आपको दिन भर में कम से कम 2000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। नींद पूरी करें। संतुलित आहार, व्यायाम, उसके साथ ही साथ नींद लेना भी बहुत आवश्यक है। नींद पूरी ना होने पर तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि इससे तनाव वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको खाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे पेट की चर्बी बढ़ती है। रात में 6 से 7 घंटे सोने वाले लोगों में पेट का फैट कम होता है। इससे ज्यादा या कम नींद लेने वाले लोगों को पेट निकलने की समस्या ज्यादा होती है। योगासन अवश्य करें। कमर और पेट का साइज कम करने के लिए आप नियमित रूप से सुबह उठकर योगासन जरूर करें। वैसे भी आप योग से निरोग भी रह सकते हैं, लेकिन अगर पेट आपको कम करना है तो आप ऐसे आसनों को करें जिनसे आपके पेट और कमर की एक्सरसाइज हो। रोजाना सूर्य नमस्कार की सभी क्रियाएं सर्वांगासन, भुजंगासन, वज्रासन, पद्मासन और शलभासन अवश्य करें।
तो दोस्तों आशा है यह टिप्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। यदि यह टिप्स आपको पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर करें और हेल्थ टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।